हाय एवरीवन, मैं प्रियंका और आपका स्वागत है मेरे चैनल होम एंड मजमूर में। घर में किचन एक ऐसी जगह है जहाँ बहुत सारा खाने का सामान होता है, कुछ रॉ यानी कच्चे फॉर्म में और कुछ पका हुआ। हम सब यही चाहते हैं कि खाना फ्रेश रहे, हेल्दी रहे और ज्यादा समय तक अच्छा भी बना रहे। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ किचन में फूड आइटम स्टोर करने के इफेक्टिव तरीके और साथ में कुछ टिप्स भी। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं दालें और अनाज स्टोर कर रही हूँ। यहाँ मेरे पास बोरोसिल के बड़े वाले एयरटाइट कंटेनर्स हैं। आपने मेरे किचन टूर वीडियो में देखा होगा कि मेरे पास प्लास्टिक के कंटेनर्स हैं, स्टील के हैं लंबे वाले, आपने देखा होगा। तो मैं प्लास्टिक वालों को रिप्लेस कर रही हूँ इनसे, क्योंकि जो ये कंटेनर्स हैं बोरोसिल के ग्लास वाले, ये 100% बोरोसिलिकेट से बने हुए हैं। इन कंटेनर्स के जो ढक्कन है यानी जो लिड है एयरटाइट है। एयरटाइट होने की वजह से जो भी अंदर हम अनाज स्टोर करते हैं इसमें नमी नहीं लगती, ह्यूमिडिटी नहीं लगती और ये ज़्यादा समय तक टिके रहते हैं। बोरोसिल के ग्लास कंटेनर्स बोरोसिलिकेट से बने हैं तो ये रिपीटेड यूज़ के बाद भी प्लास्टिक कंटेनर्स की तरह केमिकल्स नहीं छोड़ते हैं। और अलग अलग जार जो है ना वो यूज़ करने चाहिए पैंट्री आइटम स्टोर करने के लिए, अनाज स्टोर करने के लिए। तो बोरोसिल के इस ग्लास रेंज में अलग अलग साइजेस के कंटेनर्स भी अवेलेबल हैं। तो जो आपको ज़्यादा चीज़ें चाहिए होती है उन्हें बड़े कंटेनर्स में रखें, जो आपको कम चाहिए होती है, आप कम खरीदते हैं, उन्हें छोटे कंटेनर्स में रखें। नेक्स्ट है लेबलिंग। तो लेबलिंग से चीज़ें आइडेंटिफाई करना आसान होता है। वैसे तो हम बोरोसिल के जार्स यूज़ कर रहे हैं जो कि ग्लास के हैं और देखकर ही बता सकते हैं हम इसमें कि क्या है, लेकिन घर के बहुत सारे मेंबर्स होते हैं जिन्हें काली दाल, पीली दाल, कौन सी दाल है ये समझ में नहीं आता। तो ऐसे लोगों के लिए ये स्टिकर्स बहुत हेल्पफुल होते हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं कि क्या आपके साथ या फिर आपके घर में ऐसा होता है। तो ये सारे जार्स मैं अपने हॉब के ऊपर वाले कैबिनेट में रख रही हूँ। ये देखिए, मैं इन कंटेनर्स को ऐसे सेट कर रही हूँ, लेकिन आप चाहे तो इन्हें एक के ऊपर एक स्टैक भी कर सकते हैं, कुछ इस तरह से। कंटेनर्स अगर स्टैकेबल हो तो जगह का मैक्सिमम यूज होता है। अगर आपके कैबिनेट में स्पेस है जैसा कि मेरा कैबिनेट है, आप इस तरह का डिवाइडर यूज कर सकते हैं। वैसे मेरे पास दो टाइप के डिवाइडर्स हैं, मैं बहुत जगह पर अपने किचन में इन्हें यूज करती हूँ, बहुत हेल्पफुल होते हैं। ये देखिए, बोरोसिल ग्लास जार या कंटेनर्स यूज करने का एक और फायदा है, जब आप इन्हें वॉश करेंगे तो ये नए जैसे एकदम हो जाएंगे और साथ ही में आपने जो लास्ट स्टोर किया था उसकी स्मेल बिल्कुल भी नहीं रहेगी, जो कि प्लास्टिक में नहीं होता है। स्मेल निकालना, स्टेन निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। जो चीज़ें आप फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं, आपको बार बार चाहिए होती है, जैसे कि चावल, तो इन्हें हमेशा अपने काउंटर के, अपने हॉब के एकदम पास वाले कैबिनेट में रखें। आप प्रीमिक्सेस बनाकर रख सकते हैं, जैसे कि ढोकला, उपमा, पैनकेक। प्रीमिक्सेस से आपको बहुत हेल्प होगी आपके ब्रेकफास्ट को जल्दी बनाने में। ये ढोकला प्रीमिक्स है जिसे मैं स्टोर कर रही हूँ बोरोसिल के क्लिप एंड स्टोर कंटेनर में। इससे ये फ्रेश रहेगा और साथ में मॉइस्चर से फ्री भी रहेगा। हम सभी के घरों में लेफ्ट ओवर यानी बचा हुआ खाना तो होता ही है जो हम फ्रिज में स्टोर करते हैं। इन्हें अगर आप ठीक से स्टोर नहीं करेंगे तो ये फ्रिज में गिर सकते हैं। एक बार फ्रिज में कोई करी गिर गई ना तो उसे साफ करके उसकी स्मेल निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में बचे हुए खाने को अच्छे कंटेनर्स में स्टोर करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन प्लास्टिक के कंटेनर्स अगर हम यूज़ करते हैं तो उनमें से चटनी की, तेल की, मसालों की स्मेल नहीं जाती। तो इसीलिए ग्लास कंटेनर्स यूज़ करें ताकि आप देख भी पाएं कि अंदर क्या स्टोर्ड है। एयरटाइट तो ये है ही और साथ ही में स्मेल नहीं रहती। मैं यूज़ कर रही हूँ बोरोसिल के क्लिप एंड स्टोर कंटेनर्स। ये कंटेनर्स एयरटाइट हैं। इनमें जो लिड आती है इसकी गैस्केट निकालना भी बहुत आसान है। एक छोटा सा नॉच दिया है जहाँ से आप अपनी उंगली से गैस्केट को निकाल सकते हैं और धो सकते हैं। और साथ ही में ये गैस्केट अवेलेबल है अलग से परचेज के लिए अगर आपको ज़रूरत पड़े। बोरोसिल के ये कंटेनर्स एयरटाइट है तो इनसे फिर फ्रिज में खाना गिरता नहीं है। और साथ ही में ये नॉन पोरस यानी ये चीज़ें अब्जॉर्ब नहीं करते, स्मेल अब्जॉर्ब नहीं करते। तो इससे क्या होता है कि जब भी आप अपना कंटेनर यूज़ करते हैं और फिर इसे धोते हैं तो इसके बाद आपको इसमें स्मेल नहीं आती।
तो ये देखिए, मैंने अभी ब्रोकली स्टोर की, सब्जी स्टोर की, आलू स्टोर किए, और ये है कैरी जो मैं चॉप करके रख रही हूँ। तो आप अपनी मील प्रेप में भी इन कंटेनर्स का यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली आप इनमें फ्रूट्स, चॉप की हुई सब्जी, लेफ्ट ओवर, चटनी, इन सब चीज़ों को स्टोर कर सकते हैं। बाय द वे, क्या आप एक मील प्रेप पर वीडियो देखना चाहेंगे? अगर हाँ तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। मैंने इन कंटेनर्स को एक के ऊपर एक रखा है ताकि ये कम जगह लें, क्योंकि ये स्टैकेबल है, ये चीज़ पॉसिबल है। ये देखिए, ये सेक्शन अब काफ़ी नीट एंड ऑर्गेनाइज लग रहा है। एक और चीज़ होती है, जब भी हम बचा हुआ खाना रखते हैं तो उसे गर्म करना भी एक अलग ही समस्या होती है, एक अलग ही टास्क होती है। लेकिन अगर आप ऐसे कंटेनर्स यूज़ करेंगे जैसे कि बोरोसिल का क्लिप एंड स्टोर ग्लास कंटेनर है, बस आप ढक्कन निकाल दें और ये जो स्प्लैटर कवर है आपने मेरे पिछले वीडियोस में देखा होगा, ताकि अवन में सब यहाँ वहाँ उड़े नहीं, इनका यूज़ करके आप अपने मील को, अपने खाने को गर्म कर लें माइक्रोवेव में। इससे आपका बहुत टाइम बचेगा। मैं इन कंटेनर्स को सर्विंग के लिए भी यूज़ करती हूँ। इससे मुझे सर्विंग के लिए एक्स्ट्रा बर्तन यूज़ नहीं करने पड़ते और टाइम भी सेव हो जाता है। आप इन कंटेनर्स को अपने स्कूल, ऑफिस में लंच कैरी करने के लिए या फिर कोई और मील कैरी करने के लिए कर सकते हैं। मैंने कुछ समय पहले प्रीमिक्सेस की बात की थी, तो यहाँ पर मैंने एक और प्रीमिक्स बनाया है जो कि उपमा का प्रीमिक्स है। सारे प्रीमिक्स हम बाहर नहीं रख सकते, कुछ प्रीमिक्सेस को हमें फ्रिज में स्टोर करने की भी ज़रूरत पड़ती है। तो ये गया उपमा प्रीमिक्स मेरे फटाफट नेक्स्ट डे के ब्रेकफास्ट के लिए। इन कंटेनर्स को फ्रीज़र में भी स्टोर किया जा सकता है, क्रीम, आइसक्रीम और कोई भी चीज़। यहाँ पर मैं यीस्ट स्टोर कर रही हूँ, मैं अपना यीस्ट फ्रीज़र में स्टोर करती हूँ, इससे ये लंबे समय तक टिका रहता है। क्योंकि बोरोसिल के ग्लास कंटेनर्स 100% बोरोसिलिकेट से बने हैं, ये खाने में बिल्कुल भी केमिकल नहीं छोड़ते और इन्हें धोने के बाद ही एकदम नए जैसे हो जाते हैं। ग्लास कंटेनर्स यूज़ करने का ये एक फ़ायदा है, आप कुछ भी स्टोर करें इसमें स्मेल नहीं रह जाती। आप अच्छे से वॉश कर लें और स्टेन यानी हल्दी के दाग या फिर करी की स्मेल कुछ भी नहीं रह जाती है। और ये चीज़ मुझे प्लास्टिक के कंटेनर्स की बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं बहुत कोशिश करती हूँ, मतलब मैंने की है पास्ट में, पर स्मेल और स्टेन यानी हल्दी के दाग जाते ही नहीं हैं। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? नेक्स्ट है मेरा फेवरेट टॉपिक यानी स्नैक्स एंड मंचीज। हम सभी के घरों में 4 से 5 बजे की छोटी भूख के लिए कुछ अटरम चटरम, कुछ स्नैक्स तो होते ही हैं, जैसे कि ये होममेड कॉर्न चूड़ा या फिर कुछ रेडीमेड सेव, नमकीन। मैंने स्टोर कर रही हूँ बोरोसिल के क्लिप एंड स्टोर कंटेनर में। इस तरह से स्टोर करने से इनमें नमी नहीं आती, मॉइस्चर नहीं आता और ये कुरकुरे करारे रहते हैं, प्लस स्टोरेज भी बहुत ईजी होता है। पैकेट स्टोर करना इतना आसान नहीं होता, बॉक्सेस स्टोर करना ईजी होता है। यहाँ पर मैं एक कंटेनर में कुकीज़ डाल रही हूँ। कभी हमारे घर में होममेड कुकीज़ होती है, कभी रेडीमेड होती है। जैसा कि मैंने पहले भी इस वीडियो में कहा है कि बोरोसिल के कंटेनर्स खाने में केमिकल्स नहीं छोड़ते। ग्लास के हैं तो आप देख सकते हैं इनमें क्या है। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जिससे मुझे चिढ़ मचती है कि इनमें खाने की स्मेल नहीं रहती, एंड मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है। धो लो बर्तन और एकदम नए जैसा ये हो जाता है। जो भी आपके स्नैक आइटम्स हैं इन्हें इजीली एक्सेसिबल जगह पर रखें, यानी ऐसी जगह पर रखें जहां से आप इन्हें फटाफट ले सकें। राहिन्या को पॉपकॉर्न बहुत पसंद है, तो थोड़े बहुत हमारे घर में रेडी पॉपकॉर्न होते ही हैं। और जो बचे हुए पॉपकॉर्न्स हैं इनमें बहुत जल्दी कीड़े लग जाते हैं, तो हम इसे फ्रिज या फ्रीज़र में स्टोर करते हैं। तो मैं ये वाला बोरोसिल का कंटेनर यूज़ कर रही हूँ जो कि फ्रीज़र, फ्रिज, माइक्रोवेव सेफ है। काफ़ी सारी चीज़ें फ्रिज और फ्रीज़र में रखनी पड़ती है, आप समझ सकते हैं कीड़े लग जाते हैं वरना चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। अगर आपका कोई स्नैक सॉगी हो गया यानी कुछ टाइम के बाद सिल गया है, तो आप इसे माइक्रोवेव कर सकते हैं। बस अपने जार का ढक्कन हटा दें और माइक्रोवेव में रख दें कुछ सेकेंड्स के लिए, 10 से 15 सेकेंड्स के लिए, और आपका स्नैक एकदम कुरकुरा करारा वापस से हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं बेवरेजेस या ड्रिंक्स। तो यहाँ पर मैंने स्टोर किया है बटर मिल्क। आप बटर मिल्क स्टोर कर सकते हैं, फ्रेश फ्रूट जूस स्टोर कर सकते हैं। मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ बोरोसिल की ग्लास बॉटल्स। क्या आपके साथ होता है? ऑरेंज जूस पिया है लेकिन अगर उस बॉटल में पानी स्टोर कर दिया तो बहुत दिनों तक ऑरेंज जूस की स्मेल जो है ना वो जाती ही नहीं है। तो इसी वजह से प्लास्टिक अवॉइड करें। इन बॉटल्स में आपके फ्रेश फ्रूट जूसेस, बटर मिल्क सब फ्रेश रहेंगे और धोने के बाद स्मेल भी नहीं लगेगी।
आई होप आपको वीडियो में दिखाई गई टिप्स अच्छी लगी होंगी और आपकी ये काम में भी आएंगी। आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर ये जरूर बताएं कि आपको क्या चीज सबसे ज्यादा अच्छी लगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।